तो फैमिली आज बना रही हूँ मैं डिनर में कढ़ी। कढ़ाई रख दी है मैंने, तेल डाल दिया है सरसों का गर्म होने के लिए, और साथ में इधर मैंने पकौड़ी भी बना के रख दी है। तेल हो चुका है गर्म, अब इसमें डालते हैं मेथी और साथ में हींग। थोड़ा चला देते हैं, अब मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ। प्याज और हरी मिर्च मैंने काट के रख दी थी। तो इनको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए और इधर मैंने दही ही फेंट करके इसमें मैंने बेसन मिर्च नमक हल्दी सब कुछ बंद खोल करके अच्छे से एक पेस्ट बना लिया है दही का। तो हम बनाते हैं कढ़ी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस सिंपल ही कढ़ी बनाती हूँ। ज़्यादा कुछ मसाले या मतलब सब्जी वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं, बस खाली हल्का फुल्का ही मसाला और हल्की फुल्की मतलब सब्जी जैसे प्याज मिर्च हो गई है यही डाल के मैं फ्राई करती हूँ कढ़ी। ज़्यादा मुझे भी पसंद नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, कढ़ी में भी टमाटर डाल लेते हैं, लहसुन डालते हैं और पता नहीं क्या क्या। देखिए फैमिली हमारी प्याज हो चुकी है। गैस स्लो कर लेते हैं। तो फैमिली अब मैं इसमें पेस्ट डाल देती हूँ, दही का पेस्ट जो मैंने बेसन वगैरह घोल करके मिला के रखा हुआ था। ये देखिए मैंने डाल दिया है पेस्ट कढ़ाई में। अब इसको थोड़ा चला लेते हैं। तो मैंने कढ़ाई में से भगोने में पेस्ट डाल लिया है क्योंकि कढ़ाई में पानी की वजह से पेस्ट बाहर निकल रहा था, तो मैंने भगोने में डाल लिया है ताकि अच्छे से इसमें कढ़ी पक सके बन सके। ये देखिए तो इसे हमें जब तक जलाना है तब तक इसमें अच्छे से उबाल ना आ जाए, क्योंकि अगर ऐसा छोड़ दिया जाए तो इसमें ना छोटी छोटी घुड़ी बन जाएंगी छोटी छोटी, तो खाने में कड़ी अच्छी नहीं लगेगी। पकौड़ियों का भोग थोड़ा मैं माता रानी को लगा देती हूँ। रख देती हूँ मंदिर में। देखिए हमारी कढ़ी का कुछ कुछ लुक इस तरह से। तो चलाते रहना है जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता है, तब तक हमें इसको ऐसे ही चलाना है। तो मैंने फैमिली इसमें कसूरी मेथी और साथ में नमक भी डाल दिया है। देखिए बस जल्दी जल्दी करके इसमें उबाल आ जाए, फिर फैमिली झाड़ू भी लगाते हैं। झाड़ू लगानी बाकी है और भी काम है घर के, वो भी अभी बाकी है। फाइनली
मैंने पकोड़ी भी डाल दी है कढ़ी में। अब ये धीरे 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 बनती रहेगी। ढक देती हूँ इसको। तो आज मैंने किचन भी साफ कर दी है। पहले डिब्बे वगैरह इधर रखे हुए थे, तो इधर मैंने कप वगैरह रख दिए हैं फैमिली, और उधर सामने मैंने डिब्बे रख दिए हैं, यानी कि मैंने जगह एक्सचेंज कर दी है। इधर डिब्बे रखे हुए थे मसाले वाले, और उधर ये कप वगैरह, मगर मैंने उधर डब्बे रख दिए हैं और इधर ये कप रख दिए हैं। ये देखिए फैमिली, इस तरह से ये ऊपर भी इस तरह से रखे हुए हैं डब्बे। अच्छा नहीं लगता, साफ सफाई होती रहती है घर में तो थोड़ा लुक भी चेंज हो जाता है और अच्छा भी लगता है। हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फैमिली। तो मैंने कढ़ी तो बना ली है, अब दिखाया था फैमिली मैंने आपको। बस अब क्या करना है, अब थोड़ी झाड़ू लगानी है। झाड़ू ये पड़ी हुई है, बस मैं लगाती हूँ झाड़ू। फैमिली बहुत गर्मी हो रही है किचन में, तो ये समझ लो फैमिली कि खाना बनाते तो हैं मगर बर्दाश्त नहीं होती है बिल्कुल भी। बहुत गर्मी हो रही है आजकल बहुत ज़्यादा, तो बस जल्दी जल्दी लगाती हूँ मैं झाड़ू। तो बने रहे आप मेरे चैनल पर, लगाती हूँ मैं झाड़ू। झाड़ू तो लगा दी है, देख सकते हो क्या हाल है। गर्मी में बहुत गर्मी हो रही है, इवनिंग का टाइम हो चुका है लगभग। पूजा की भी तैयारी होगी, पूजा कर ली है फैमिली, तो मैं अभी आपको मथा टिकवाती हूँ। आशीर्वाद ले लेना आप लोग भी। तो पूजा हो चुकी है, आरती लीजिए। माता रानी हमेशा आप लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखे, आपको अच्छा रखे, खुश रखे, हैप्पी रखे। जय माता दी, जय बाबा की। और साथ में जारवीर बाबा की भी आरती लीजिए। मिलिए नौनी से, कितने आराम से बैठा हुआ है ये। ये लोग भी बहुत गर्मी मान रहे हैं, इन्हें भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, ये लोग भी बहुत परेशान हैं। और ये रहा बड़ा वाला, छोटा वाला ये बैठा हुआ है, मौनी बैठा हुआ है। मौनी 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 बच्चा, कैसे हो? ठीक हो? भूखी लगी है? भूखी लगी है नोनू को भूखी लगी है। कहाँ जा रहा, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? ये देखो नोनू के गले में मटका डाल दिया है, कितने प्यार से बैठा हुआ है। मौनी मौनी बच्चा, मौनी मौनी बच्चा, मौनी आओ इधर, आओ इधर, आओ इधर, इधर। नहीं आ रहे? नहीं आ रहे ना? नहीं सुन रहे ना? मम्मा का कहना नहीं मान रहे ना? नहीं सुन रहे? इधर आओ इधर। नोनी इधर, इधर। क्या हो गया? गम्मी लग रही है, गम्मी लग रही नोनी को, नोनू को गम्मी लग रही है। ये देखिए, ये फिर से अंदर जा कर के छिप गया, बैठ गया अंदर। कहीं भी
सुकून नहीं है, ना नीचे है ना छत पर है, कहीं भी सुकून नहीं है। हवा भी नहीं चल रही है और ना ही बारिश का आता पता है। समझ में नहीं आ रहा ये गर्मी के दिन कैसे कटेंगे, क्या किया जाए। नहाने के बाद भी तो सुकून नहीं मिलता है, नहा कर भी ऐसा लगता है कि हाँ नहा कर भी नहीं नहाए हैं, इस तरह से लगता है। मगर कहाँ कहाँ सुकून है, नहीं सुकून है। कपड़े पड़े हुए हैं छत पर, तो मैं आ गई हूँ उतारने के लिए। छत पर कपड़े उतार लेती हूँ, इवनिंग का टाइम हो चुका है। उतारते हैं कपड़े जल्दी जल्दी। लगा दी है कपड़ों की तह मैंने, देख सकते हो आपको थोड़ा अंधेरा हो रहा है ना, तो इस वजह से थोड़ा कम दिख रहा होगा। अब चलते हैं नीचे। डमल के रख लिया था मैंने गूंथ करके। मैं बना रही हूँ पराठे कड़ी के साथ, और साथ में थोड़े से चावल भी बनाऊंगी। आटा रखा हुआ था थोड़ा सा, ये मेरा आटा, लोई वगैरह रखी हुई है। और मैं बना देती हूँ जल्दी जल्दी पराठे। हस्बैंड के लिए मैंने खाना बनाया, ये जा रहे हैं जागरण में, तो इन्हें मैंने जल्दी जल्दी बना दिया, ये खा के चले जाएंगे। मेरा डिजायर चाहिए थी यार सुबह जाना दिल्ली, साथ में नोनी मोनी बैठे हुए हैं, ये खाना खा रहे हैं। वापसी भी है ना माता रिटर्न, आज जागरण है इनका। फैमिली मेरे हस्बैंड जागरण करते हैं, माता रानी के जागरण, और साथ में माता रानी की चौकी वगैरह करते हैं। तो फाइनली फैमिली बन चुके हैं कढ़ी चावल और साथ में खीरे, साथ में पानी। तो आइए फैमिली खाना खा लीजिए, बताइएगा कैसी बनी है कढ़ी। खाइए फैमिली। ये लीजिए फैमिली, खाइए बताइए कैसी बनी है कढ़ी। तो इधर ये सनी भी बैठा हुआ है, ये भी खाना खा रहा है, साथ में नोनी मोनी भी बैठे हुए हैं। फैमिली खाते हैं फैमिली खाना, सब बने रहे मेरे चैनल पर फैमिली। तो फाइनली फैमिली खाना भी खा लिया है, अब मन है लेटने का। कढ़ी बहुत अच्छी बनी थी फैमिली, बहुत टेस्टी हो रखी थी कढ़ी, पेट भी अच्छे से भर गया, इतना ओवर खाना खा लिया है टेस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा। तो फैमिली बस अब इतना है, पूरा दिन हो जाता है फैमिली, थक जाती हूँ काम में इधर उधर बहुत ज़्यादा, बहुत थक जाती हूँ। फिर ऊपर से इतनी गर्मी हो रही है ना फैमिली, बर्दाश्त से बाहर हो रही है। तो फैमिली मैंने बताया था आपको, मेरे हस्बैंड जागरण भी करते हैं, माता रानी के जागरण है, मतलब माता रानी के जागरण और चौकी वगैरह करते हैं। उनकी अपनी मंडली है रोशन लाल मंडली, वो उसी में ज्वाइन है, तो उन्हीं के थ्रू ये जागरण चौकी वगैरह करते हैं माता रानी की। तो फैमिली तब तक आप लोग खुश रहे, अच्छे रहे, हैप्पी रहे, और बहुत सारा मुझे सपोर्ट करें। फैमिली बहुत 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 ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए, तो मुझे आपका प्यार चाहिए सपोर्ट के रूप में फैमिली। तो बस इतना चाहती हूँ, तब तक के लिए बाय माय यूट्यूब फैमिली, गुड नाइट, जय माता दी।